सभी दोस्तों और बहनों और भाइयों और तमाम मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम। दोस्तों आपके लिए आज हमने जनरल पेपर तैयार किया है जो हिंदी में है, ठीक है, और ये बाल विकास अभिज्ञान पर पहला वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर कोई इसमें गलती होती है तो इसके लिए मुझे आप ज़रूर बताने की कोशिश करें। तो बाल विकास अभियान पर आइए हम सबसे पहले एक प्रश्न पढ़ते हैं। बालक के शारीरिक विकास का प्रारंभ होता है यानी कब से होता है, ये तीन ऑप्शन दिए हैं, इनमें यानी जन्म से, बा जन्म से पूर्व, या सा गर्भावस्था से। तो ये सही जवाब है गर्भावस्था से। दूसरा प्रश्न आता है, बाल विकास की प्रकृति है, आ ये जो टिक हो रहा है ये सही है, परिवर्तनशील से। अगला प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है कि 360 दिन से या 400 दिन से या बा 280 दिन से। तो यही प्रश्न बिल्कुल सही है तीसरा। लीजिए अभी आता है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर चौथा, सामान्य बुद्धि के बालक चलना सीख पाते हैं 20 माह से, 14 माह से या 25 माह से। तो सही जवाब है सा 14 माह से चलना सीख जाते हैं। पांचवा है, मनोविज्ञान में विकास का तात्पर्य होता है आ गुणात्मक परिवर्तन, ये आ जो पहला वाला है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है यानी कौन सी है। तो सही उत्तर है इसका किशोर अवस्था। सातवां प्रश्न आपके सामने आता है, सीखने का नियम है यानी सीखने का नियम क्या है। तो ये तीनों आपके इसमें तीनों नहीं बल्कि हमने चारों दिए हैं, ठीक है नहीं, और इसमें दा वाला जो टिक हो रहा है अभ्यास का नियम यानी प्रैक्टिस वाला अमली तरीका बिल्कुल सही है। उर्दू में इसको अमली तरीका बोलेंगे और इसमें इंग्लिश में इसको प्रैक्टिस का तरीका बोलेंगे, तो हिंदी में है अभ्यास का नियम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, किशोर अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है, पहले ही वाला, इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, ये बच्चे का जो शारीरिक परिवर्तन है वो होता है, ये आ बिल्कुल सही है। नवा प्रश्न आता है, चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व यानी चीज, तत्व का माने चीज है, स्कूल का प्रभाव, और ये बात बिल्कुल सही है जिस पर टिक लग रहा है, बुद्धि का प्रभाव। अगला सवाल है दसवां प्रश्न, बालक के लालन पालन में आप सबसे महत्वपूर्ण किसकी भूमिका उपयुक्त समझते हैं। तो सही प्रश्न है पहला वाला आ समाज की।
ग्यारहवां प्रश्न आपका आ गया है, ये रहा आपके सामने। देखिए हमने बहुत खुशखत लिखा है, बहुत साफ साफ लिखा है, इंशाअल्लाह ये आपके लिए कोई दुश्वारी पैदा नहीं करेगा। अगर आपको इस तरह के सवालात, और ये हमने सिलेबस से ही लिए हैं, और इंशाअल्लाह इसमें से कोई ना कोई सवाल आपके परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो ग्यारहवां सवाल है, शिशु क्रोध यानी गुस्सा, बच्चे का गुस्सा इसको कहते हैं, और प्रेम यानी मोहब्बत में अंतर करने लगता है, यानी कब से करने लगता है, अंतर करने लगता है छठे माह से, ठीक है नहीं, छः महीने से अंतर करने लगता है शिशु अपने गुस्सा और मोहब्बत यानी प्रेम करने लगता है। बारहवां प्रश्न है, विद्यालय के बाह्य यानी बाहरी, विद्यालय यानी स्कूल के बाहरी वातावरण से आशय है यानी मतलब है, ये है सा परिवार एवं पास पड़ोस का, ये उसका असर ज़रूर पड़ता है। परिवार का सबसे पहला मदरसा जो होता है, स्कूल जो होता है बच्चे का, शिशु का, वो उसका परिवार होता है। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो बाहर निकलता है तो पास पड़ोस का असर उस पर ज़रूर आता है। तेरहवां सवाल, निर्देशन बालकों को बिगाड़ती है ये सही है, या सुधारती है ये सही है? नहीं, ये सही है, सहायता करता है। चौदहवां सवाल आपके सामने आ जाता है, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रकरण अवधान है, ये परिभाषा है किसकी? रास की। ये भी गलत है? नहीं, ये है डम्बाइल की, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पंद्रहवां प्रश्न, रुचि व स्तर मानसिक विधि है जो ध्यान क्रिया को सतत यानी मुसलसल बनाए रखती है, ये परिभाषा है मन की, और सही जो है ये है नन की परिभाषा है, ठीक है। सोलहवां सवाल है, रुचि किसे कहते हैं, रुचि किसे कहते हैं? तो सबसे पहला जवाब है, रुचि परिवर्तनशील है, जो टिक हो रहा है ये बिल्कुल सही है, यानी बच्चों की दिलचस्पी, इसको रुचि कहते हैं कि जिसमें बच्चों की दिलचस्पी होती है। लीजिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है, ये परिभाषा है किसकी? है मन की, ये एक फिलोसफर थे मन, तो ये उनकी परिभाषा है। अठारहवां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, अवधि अवधान केंद्रित करने की कौन सी दशा है? सही जवाब है आनंतरिक दशा। उन्नीसवां सवाल, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, ये परिभाषा है, ये टिक हो रहा है, ये परिभाषा है रायवरण की। बीसवां सवाल है, सृजनात्मक कल्पना को स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है? तो सही जवाब है बडवर्थ ने इसको दिया है।
ये आ वाला जो टिक हो रहा है ये बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयोग किसने किया? तो बा वाला सही है, कोहलर ने किया। 22वां प्रश्न जो है, अपराधी बालकों के लिए मुख्य रूप से कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं? तो सही उत्तर है 3 विधियां लाई जाती हैं, पहला वाला। 23वां प्रश्न है, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगी है? तो ये तीसरा वाला सा असामान्य बालकों के लिए, जैसे अंधे लंगड़े और लूले जो होते हैं यानी माजूर बालकों के लिए, ये है सही जवाब। विकलांग बालकों में दोष होता है, पहला वाला बिल्कुल सही है, शारीरिक यानी फिजिकली जिसको जिस्मानी कहते हैं, इन बच्चों में ये दोष पाया जाता है। 25वां सवाल है, बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है? ये निम्नलिखित में ये 4 दिए हुए हैं, तो इसमें तीसरा जो है उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, ये है इसका सही उत्तर। अब आइए, जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं उसे ऐसे बालकों की श्रेणी है, ये नीचे दिए हुए हैं 3, तो इसमें बा वाला सही है, अपराधी बालक को कहते हैं। बहुत ध्यान से आपको निशान लगाने हैं, ये अपराधी बालक बिल्कुल सही है। 27वां सवाल, बंदर प्रयोग करने का हिर है यानी किसे है? तो इसका सही उत्तर है पावलांग को, ये इनका प्रयोग है पावलांग को। खेल एक आत्म नियंत्रित क्रिया है, ये परिभाषा किसकी है? तो बा वाला सही है, ग्लू की। 29वां सवाल ये रहा आपके सामने, अपराधी बालक से होता है क्या होता है? ये तीसरा सवाल इससे मिलेगा कि जिनमें चोरी करने, झूठ बोलने आदि की आदतें होती हैं, ये अपराधी बालक में बातें पाई जाती हैं, इसको अपराधी बालक कहते हैं। किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? तो ये है, विद्यालय को कहा गया है, समाज को कहा गया है, नहीं ये तीसरा वाला है, परिवार को कहा गया है, कि सही इसकी जो पहली पाठशाला है वो परिवार है। तो मित्रों और दोस्तों और बहनों और भाइयों, ये था हमारा आज का बाल विकास व अभिज्ञान पर पहला वीडियो। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय से ज़रूर हमें मुतला फरमाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। इसके साथ ही अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मुखलिस मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।